नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और आज कस्तूरी में बातचीत कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी पर। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती भी है। एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने भारत के गांव को, भारत के सच को, भारत के परिवारों को, भारत के मानव समाज को अपनी रचनाओं में उकेर कर रख दिया। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में बीता, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो अपनी जगह खुद बना लेती है। ठीक उसी तरह अपनी लेखनी से प्रेमचंद जी ने वो मुकाम हासिल किया कि आज घर घर में उन्हें पढ़ा जाता है। मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है। यह कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। प्रेमचंद जी के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता। प्रेमचंद का कुल दरिद्र कायस्थों का था, जिनके पास करीब 6 बीघा जमीन थी और जिनका परिवार बड़ा था। प्रेमचंद के पितामह मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे, उनका विवाह हो गया। वह विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। सन 1905 के अंतिम दिनों में प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। ये कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी भी कम हो गई। इनके लेखन में अधिक सजगता आई। प्रेमचंद की पदोन्नति हुई तथा यह स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर भी बना दिए गए। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में ही इन्हें भारत से दूर गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में ही इन्हें गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। इसी बीच में इनके पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद को पढ़ने का शौक था। आगे चलकर वह वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने इन्हें तोड़ दिया। प्रेमचंद ने स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन लिया और उसी के घर में एक कमरा लेकर रहने लगे। इस तरह से उनका संघर्ष जारी रहा। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में अभिव्यक्त हुई। वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कृतियाँ भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं। अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते थे। प्रेमचंद की कृतियाँ भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। प्रेमचंद ने अपने जीवन में कई अद्भुत कृतियाँ लिखी। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में ना ही उनके जैसा कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा।
कस्तूरी एक ऐसा मंच है जो आपको याद दिलाता है अपने साहित्यकारों की, अपने कलमकारों की। तो पढ़ते रहिए हमारे साहित्यकारों को और अपने जीवन में उतारते रहिए उनकी रचनाओं को, और देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस पर कस्तूरी। धन्यवाद।